हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल जेपी टेक्निकल इन्फो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल T2 का जो रिजल्ट है वो यूपीपीसीएल की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसा कि इस रिजल्ट के लिए काफ़ी लंबे टाइम से जो है कि कैंडिडेट वेट कर रहे थे इस रिजल्ट का, तो फाइनली गाइस जो कि रिजल्ट यूपीपीसीएल T2 का वो आ चुका है। तो चलिए मैं ऑफिशियल वो नोटिस दिखाने वाला हूँ, ऑफिशियल कैंडिडेट का लिस्ट दिखाने वाला हूँ आपको। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में। इससे पहले अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने जो है कि रिजल्ट का जो PDF है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है आपका विद्युत सेवा आयोग उत्तर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हुआ है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना में क्या है आपका। देखिए, आवश्यक सूचना में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत टेक्नीशियन विद्युत, मतलब जो टेक्नीशियन लाइन, जो टेक्नीशियन TG2 का जो वैकेंसी है कि रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 2020 में प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 19, 20, 27, 28 मार्च 2021 को संपन्न ऑनलाइन CBT एग्जाम में रिस्पांस की के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त शक्तियों को संज्ञान में लेते हुए सभी देशों में पालियों के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन एवं नॉर्मलाइजेशन के पश्चात श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणी बाहर 2 गुने अभ्यर्थियों को अभिलेख एवं प्रमाण पत्रों की जांच हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जितना सीट था उसके 2 गुने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की सूची अनुक्रमांक के बढ़ते क्रम में निम्नवत दी जा रही है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अपने अनुक्रमांक के अनुसार निम्न तालिका में अंकित निर्धारित तिथि और समय पर विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरोजनी नगर लखनऊ में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि Panel 1, Panel 2, Panel 3, Panel 4, Panel 5, तो इनको कब उपस्थित होना है देख सकते हैं यहाँ पे। इनको 20 सितंबर 2021 को यहाँ पे इनको जो कि उपस्थित होना है। तो यहाँ पे इनका टाइमिंग है 9 बजे से और 9:15, 9:30, 9:45 ऐसे इनको यहाँ पे टाइमिंग के अनुसार जाना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अपना जो कि आप रोल नंबर मैच कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप दिए गए टाइम पे और दिए गए डेट पे वहाँ पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना रोल नंबर आप इजी वे में सर्च कर सकते हैं और इसका जो PDF है मैंने इसे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, वहाँ से जा करके आप इसका PDF ईजिली जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं जो भी है यहाँ पे, देखिए 21 तारीख को भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, 21 सितंबर 2021 को। तो फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं और नीचे देखते हैं PDF में और क्या लिस्ट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि जो रिजल्ट है आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए 23 तारीख को भी बुलाया गया है, 23 सितंबर 2021 को कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, वो यहाँ पर जाएँगे और अपना जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब लिस्ट आपके पास है और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है वो आपको 20, 21 और 23 सितंबर 2021 को यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ फ्रेंड्स लिखा गया कि यह मेरिट लिस्ट नहीं है, अभी ये आपका DB के लिए बुलाया गया है 2 गुने कैंडिडेट को। इसके बाद जो कि 1 या 2 नंबर आपका जो कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, फिर फाइनल जो कि एक लिस्ट निकाला जाएगा और रिजल्ट निकाला जाएगा और उसमें कट ऑफ को भी बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको जैसे ही रिजल्ट आता है उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे देख सकते हैं, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निर्धारित तिथियों में समय पर अनुक्रमांकवार जो है कि विद्युत प्रशासन संस्थान में सरोजनी नगर लखनऊ में उनको उपस्थित होना है, जिसके लिए अलग से बुलाव पत्र नहीं भेजा जाएगा। इसी के अनुसार आपका, अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आपको वहां पे समस्त अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है और यहां पे आपको COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है आपके सामने ये शो हो रहा होगा कि आपका जो कि 21 अगस्त 2021 को जो कि आपका ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं अपने साथ। और फ्रेंड्स क्या क्या लेकर जाना है आपको देख सकते हैं, आपकी TG2 के पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विद्यार्थियों को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार निम्न मूल अभिलेख और उनकी 1-1 100 प्रमाणित जो कि छायापति लेकर के निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर जो कि उनको उपस्थित होना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ITI का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, OBC NCL का लेकर जाना है आपको सर्टिफिकेट, EWS के उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, अप्रेंटिस किए हैं तो वो लेकर जाएंगे, आधार कार्ड और ये सब चीज़ें लेकर के वहाँ पे आपको जो कि उपस्थित होना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है सचिव विद्युत सेवा आयोग के द्वारा जो कि ये बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही बताना था, आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।